हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अनिल कुमार ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। अनिल कुमार ने भाजपा सरकार पर नौकरियों में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए और साथ ही इस सरकार को आम जन विरोधी करार दिया। अनिल कुमार ने कहा कि ये सरकार सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पहले तो मुख्यमंत्री कोरोना पर घड़ियाली आंसू बहाते रहे कि मैं काम करना चाहता था, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो उन्होंने प्रदेश को कर्जे में डुबाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में बजट को पेश किया गया, जिसमें सरकार 5,500 करोड़ की घोषणाएं करती है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि बजट कहां से आएगा। ये बजट भी इनके घोषणा की तरह ही झूठा है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ, जिसे ये सरकार दबाने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली को भी हाथ में लेने से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि बात करुणा मूलक आधार पर नौकरी की मांग करने वाले की करें तो आज 230 दिन से अधिक का समय गुजर गया है, लेकिन सरकार ने करुणा मूल संघ से कोई बात तक नहीं की है। उन्होंने कहा कि आज युवा और कर्मचारी वर्ग इस सरकार की दमनकारी नीतियों से त्रस्त है। अनिल कुमार ने कहा कि प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा 14 मार्च को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव में सरकार के इशारों पर जो लाठी चार्ज किया गया, उसमें प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी के कपड़े फाड़ दिए और उनकी टांग भी तोड़ दी गई। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, युवा कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी बल का प्रयोग किया गया और झूठे मुकदमे 30 से अधिक कार्यकर्ताओं पर दायर किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन बालूगंज और सदर थाने के अंतर्गत था, लेकिन मुकदमे ढली और न्यू शिमला के थाने में दायर किए गए। जैसा कि अभी प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें हमारे 8 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं और चोटिल हुए हैं, और जो भविष्य में इस जो जन आक्रोश रैली थी, इससे इस सरकार की नींव जो है हिल चुकी है और आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर युवा कांग्रेस जो है जन जागरण अभियान चलाएगी। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के ऊपर 30 से ज़्यादा झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं, उसके ऊपर युवा कांग्रेस जो है इस प्रदेश भर में, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो या अन्य मंत्रियों का कार्यक्रम हो, उनका जो है काले झंडे दिखाकर विरोध करती है। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से युवा कांग्रेस की ओर से प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि जो झूठे मुकदमे हमारे पदाधिकारियों पर जो है दायर किए गए हैं वो वापस लें, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इतना ही नहीं, जब हमारा प्रोटेस्ट विधानसभा के बाहर था और जो उसके जो जुरिस्डिक्शन थी वो शिमला सदर और बालूगंज की बन रही थी, तो जो सरकार ने जो मुकदमे दायर किए हैं वो ढली थाना और न्यू शिमला थाना के अंतर्गत जो है मुकदमे दायर किए गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से जन आक्रोश रैली के माध्यम से ये सरकार बौखला गई थी और इस आंदोलन को कुचलने के लिए किस तरीके से इस सरकार ने जो है दमनकारी जो है फैसले लिए हैं।